अब हमारे में तो 6.3 है, आपके में पता नहीं। तो एक्सरसाइज 6.3 का 12 से लेके 16 सवाल, ये मैथ्स में है, ट्रायंगल। ये चार सवाल आएंगे, 5 सवाल आएंगे। यस सर। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है लगभग सब कुछ आ जाएगा। रिप्रोडक्शन में से 2 सवाल आएंगे और बाकी आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो जनरल फ्लो चार्ट, ये सब ऐसी चीजें आएंगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन में कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी तक, बहुत हल्का फुल्का ही करा है। चलो ओके, लेट अस कम टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 में कौन सा सवाल है? चलो पहला सवाल देखो, एक्सरसाइज 8 इसको ऑन कर दीजिएगा। पहला सवाल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कहा गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ cot a, sin a का एक ऐसा फार्मूला बनाओ कि cot ही cot हो, sec का ऐसा फार्मूला बनाओ कि cot ही cot आए, और tan का भी ऐसा फार्मूला बनाओ, ठीक है, तो सब में cot आना चाहिए, तो किसके टर्म्स में लिखना है? cot। अब जरा देखो, लेट ऐसा करने के लिए लिख लो कि cot a को लेट कर लो x, लेट cot a इज इक्वल्स टू x, इसे a लिखो, तो cot a हो गया कि नहीं, a b c, तो cot a को x लिया, लेकिन cot a होता क्या बता, cot a क्या होता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आप इसमें लिख लीजिए cot a, यहां से देखने से क्या लग रहा है, क्या ac अपॉन bc और वही x अपॉन 1 है, सही है। तो अगर इससे बोलो AC हो जाएगा X और BC कितना हो जाएगा? 1। BC 1 हो जाएगा, AC को क्या लिख दें? X और 1, तो X by 1 हो गया पार्ट, जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो उत्कर्ष उसे X मान लो हमेशा, सही, और उसका फार्मूला बना लो, तो वो चीज एक X हो जाएगी 1। अगर ये X और 1 है तो बताओ ये क्या होगा, बताइए, तो AC कितना है? X square, BC कितना है? तो बताओ AB square कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा? और यदि रूट लगा दिया जाए तो बताओ AB कितना हो जाएगा? रूट 1 प्लस, तो इसे क्या लिखने बोलो, सही है, क्या चीज आपको एक्सप्रेस करनी, साइन है, बताओ सुजन साइन है को क्या लिखेंगे, यही से देख के बताओ, साइन है बताओ, ये तो नहीं बता पाएंगे, आप बताओ, बीसी अपॉन एबी, तो बीसी कितना है बोलो, 1, और एबी कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह अब क्या लिख दो, कॉट ए, तो एक्स की जगह ही तो कॉट ए, तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, बोलो सही लिखा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा, अगर सीधा का दिमाग होना चाहिए, अब ये मैं तो समझा गया, कुछ लोग इसको दूसरी तरीके से करेंगे, उत्कर्ष टाइम, देखो साइन ए क्या लिखेंगे, क्या 1 बाई कॉसेक ए, और कॉसेक को क्या लिख देंगे, रूट कॉसेक स्क्वायर ए, और बताओ कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तब भी आ जाएगा। अरविंद टाइप लोग ऐसा करेंगे, दिमागी है ना, ऐसे भी किया जा सकता, क्योंकि कॉसेक लिखा, कॉसेक का रूट कर दिया, लेकिन उतना हमें दिमाग में आगे नहीं सबके, अच्छा ऐसे ही करते, तो इससे सब आ जाएगा, साइन ए निकाल लिया, अगला क्या बोलो, सेक ए, गरिमा सेक ए का बताओ,
सर्कल बताओ ट्रायंगल लेके सर्कल को क्या लिखें विच साइड बाय विच साइड सोनाक्षी बताओ आप बताओ सुजैन सर्कल को क्या लिखें बहुत आश्चर्य की बात है ताशी ए बी अपॉन आपसे तो कभी निराश होना ही नहीं पड़ता पहली बार That is AB, hypotenuse by base, यही होता है अच्छा hypotenuse कितना है बताओ 1 plus x square और by AC कितना है x x की जगह अब क्या रख दो cot x की जगह क्या रखोगे तो क्या आ जाएगा root 1 plus cot square और upon cot a चलो गर अब मुझे बताओ मुझे टैन को एक्सप्रेस करना है टैन इसमें से देखिए बताओ टैन है क्या बीसी बाय एबी नहीं बता पाओ बीसी अपॉन एसी चलो दैट इज वन बाय एक्स तो वन बाय कॉट सही है पहले उसे जिसमें एक्सप्रेस करना है उसे एक्स ले लो और हर साइड निकाल लो और फिर इसी से साइड साइड निकालते रहो ऐसा ही दूसरा सवाल है दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अब सबको sec a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये कौन है ना गर्ल इंटू sec a तो मुझे क्या कर लेना चाहिए sec a को क्या लेना चाहिए sec a को x ले लेना चाहिए ये a है तो sec a सुजैन sec a क्या होता है बताओ जरा यहां देख के बताओ चलो कोई बात नहीं इतना माइंड पे जोर मत दो क्योंकि कोरोना काल के बाद रिस्क ज्यादा रहता है ना ज्यादा जोर दे दिया पता चला माइंड अटैक आ गया पता है कि नहीं ऐसा नहीं करना हल्का फुल्का रहो बिल्कुल ठीक है तो पी ए बाई हाइपोटेनियस बाई पे सही है तो बताओ पी ए कितना हुआ एक्स और ए सी कितना हुआ पी ए को लिखो एक्स और सेवन लिखो तो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी ए लिख लो या ए बी लिख लो एक ही बात है ये की जगह ए बी ज्यादा ठीक लग रहा है चलो तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन तो बी सी कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन टेकिंग पॉजिटिव साइन पॉजिटिव रूट तो अब इसको क्या लिख लो फिर से आपके पास सुजैन आएंगे चलिए अब मुझे बताओ साइन ए की वैल्यू बताओ सुजैन बीसी बाई एबी बीसी बाई एबी अब इनकी वैल्यू डाल दो बीसी कितना है x स्क्वायर माइनस वन और ए बी कितना है x खुद क्या है जरा बताओ यहां से देखो x क्या है sec x तो लिखो sec स्क्वायर x माइनस वन और नीचे क्या लिख दो sec x त्रिशु cos a क्या है sec a होगा sec a हाँ त्रिशु ac by AB that is 1 by x और x क्या है cos A कुमकुम tan A क्या है सर सर x तो वो है ना sec A है वो sec A में misprint है हाँ कुमकुम नहीं आप बताओ tan BC by AC that is BC by तुम इतने करीब 6 घंटे से पढ़ रही ट्रिग्नोमेट्री अगर 1.5 घंटे 4 दिन तो कुछ कुछ आइडिया नहीं लगता कुछ भी ब्लिंक करती हूँ
बीसी बाई ए सी, तो बीसी बाई ए सी, बीसी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन और ए सी कितना है वन, उससे कितना हो जाएगा बोलो sec स्क्वायर ए माइनस वन। वैसे भी दिव्या टैन का फार्मूला सोचो, अगर रूट उधर ले लो वन उधर तो क्या वही ना बन जाए, देखो अगर रूट उधर ले लो तो टैन स्क्वायर और वन भी उधर ले लो तो क्या वन प्लस टैन स्क्वायर ही sec स्क्वायर नहीं होता। कुछ कुछ तो सीधे भी निकल आते हैं, लेकिन कुछ अब जैसे ये भी है cos का तो सीधे ही निकल आएगा, ये भी tan और sec का तो सीधा संबंध होता ही है, लेकिन दूसरे में कहीं में नहीं निकल पाएगा, तो ये सही उत्तर सा बताओ। cot के लिए क्या लिखें, cot a it is equals to ac upon bc that is 1 by root x square minus 1, तो 1 by root sec square a minus 1, ठीक है नमन। अब एक बच रहा है हमारे पास cosec, cosec a का बताओ, bc upon ab, bc अच्छा प्रयास था आपका, चलो अमन आप बताओ ए बी अपॉन बी सी, फिर भी बहुत नमन इतना जान रहा है तो बहुत बड़ी बात है। एक्स कितना है sec a और रूट sec स्क्वायर a माइनस वन, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आना चाहिए, उसके लिए आप लिखो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले जिसे इतना आ गया साइन कॉस टैन, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, इसी से सब निकलना है, बस एक्स रखते ही निकाल लो, और कॉट सेक और कॉसेक, फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि इसी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद कुछ नहीं। चलो सो क्वेश्चन नंबर वन और टू करो, एक्स ले लिया है, लेकिन साइन ए क्या होता है बीसी बाई ए बी दैट इज एक्स बाई वन, तो बीसी हो गया एक्स और ए बी हो गया वन, ए बी को वन लिखो बीसी को एक्स लिखो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वन स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए सी क्या हो जाएगा, उधर लेकर क्या रूट लगाने रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ उसको मत करो बेटी सोनाक्षी, उसको मत देखो, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए क्या है, यहां देखो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, जो भी करो अपने मन से करो, बाकी तो हम हैं ही सपोर्ट के लिए। ए सी कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन वन, एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स कितना है साइन है, वन माइनस साइन स्क्वायर है और अपॉन वन, वन लिखने की जरूरत नहीं है ना, दासी टैन है बताओ, BC upon AC, तो BC क्या है X और AC क्या है 1 minus X square, X किसे कहा गया है sin है और root 1 minus sin square है, दिव्या जरा सोचो 1 minus sin square क्या होता होगा, चलो कोई बात नहीं, हाँ और उसका root ले लो क्या होगा cos A और sin by cos क्या होगा tan, अब जो इतना दिमाग लगा सके ये तो अरविंद ही लगा सकता है, ये तो लोग करते हैं सीधे भी करते हैं, इतना कोई कर पाए, देखो टैन को साइन बाई कॉस लिखा और कॉस को क्या लिख दिया रूट कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर, तुमको ये पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, ये नहीं पता, नहीं
मैंने आगे देखा है, देखा है ना, ये चीज देखी है, ये डिवीजन तो बस इसी से हो जाएगा। आपको तीन चीज याद रखनी पड़ेगी कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। एक और बताओ, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हाँ इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। बस यही चाहिए, अगर ये तीन तुम्हें मालूम हो गए तो आज का भी काम बन जाएगा। एक और बोलो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, बस इसी से काम बन जाएगा। और बाकी तुमको वो सारे पता है, साइन ए इज इक्वल टू वन बाई वन बाई कॉस ए के, ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू वन सेक ए इज इक्वल टू वन बाई कॉस ए, टेन ए इज इक्वल टू and tan a is equals to what upon what, tan a is equal to sin upon cos, ठीक है, और cot a is equals to cos upon sin। इतना ही चाहिए, बस इतने में काम बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। अब ये तीनों चीज बन गई, एक और क्या बच रहा है, sec a, sec a उसको ठीक है, sec a का देखो, sec a का क्या लिख सकते हैं, ab by AC, now AB कितना है 1 और AC root 1 minus x square, so that is 1 by root 1 minus sin square। अरविंद देखो 1 minus sin square क्या होता है, उसका root ले लो, 1 by cos क्या होता है sir, ऐसे भी सोचा सर। चलो अब question number next देखते हैं, that is फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड हो चुका है, फिफ्थ का थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड देखो, और बाकी जो लोग कर रहे हैं उसको पेपर नीचे रखो, क्योंकि ऐसे करते रहोगे सारे सवाल निकल जाएंगे पेपर के चक्कर, सिक्स सेवन फिर से कराएंगे। चलो ना पेपर नीचे रखिए, अभी अटेम्प्ट मत करिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वजनदार है। चलो, दैट इज टैन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये चीज दी है। तो अब इसे जिसके भी इक्वल प्रूव करना हो, मैंने तो एलएचएस ले लिया, एलएचएस लिखना पड़ेगा, एलएचएस वही लिखना पड़ेगा जो है, पूरा उतार के तभी सॉल्व करना है, पहले स्टेप पे क्वेश्चन लिखना है। ये देखो टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, अब इसमें डिवीजन का साइन लगाओ और इसको यहाँ लिखो वन माइनस कॉट ए को, वन माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और बाई, अभी तो सिर्फ मैंने पहले को ही लिखा है, देख लो टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट थीटा, यही तो लिखा टेन थीटा, यही है। अब मैं दूसरा लिखने जा रहा हूं, तो प्लस अब मैं कॉट थीटा लिखूं, अंशुप्रिया क्या लिखूं कॉट थीटा की जगह, कॉस थीटा बाई साइन थीटा और डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर दिया, अब क्या लिखे बताओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सबकी जगह वैल्यू रख दी, टैन जहां जहां टैन था वहां साइन बाई कॉस रख दिया और जहां जहां कॉट था उसकी जगह क्या लिख दिया, बोलो सही है। देखो सुनो अच्छी, डिवीजन की जगह मैंने ऐसा लगा दिया, कोशेंट की जगह यहां भी लगा दिया कि नहीं, अब इसके अंदर एलसीएम लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, नाउ हनी यहां क्या आएगा, मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, गर्म यहां क्या आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा क्योंकि 1 बाय 1 है, 1 से डिवाइड किया cos आया, cos से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा, ये बात हो गई, LCM ले लिया,
अलग अलग सबकी वैल्यू रख दी और एलसीएम ले लिया। अब इसको पलट दो, पलटने से क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जब पलट जाएगा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमारे यहां तक ठीक है, सही ना? अब जरा चेक करो, क्या इन दोनों में से साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा है, और इधर क्या है, कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा। ये चीज कॉमन आ सकती है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। मान लो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा? कई बार माइनस अंदर डालते हैं तो माइनस अंदर डालने से भी साइन पलट जाते हैं। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा तो उससे क्या होगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, साइन थीटा, अब मैं इसे लिख दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो ताशी, मान लो तुम फिर से माइनस अंदर ले जाओ तो क्या ये निगेटिव नहीं बन जाएगा, ले जाओ माइनस और ये पॉजिटिव, तो वही चीज हो गई कि नहीं। माइनस लेके हमने इसे पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या इन दोनों में यही चीज दोनों में कॉमन है कि नहीं, बाहर निकाल, जो कॉमन है बाहर चला जाए। कहां से बताएं, बोलो सुजाय बताओ, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, इस स्टेप के बाद ये एलसीएम समझ में आया, एलसीएम के बाद पलटा है, साइन चला गया ऊपर ही नीचे, ये ठीक है, इनटू किया ये भी पलट, इतना ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ, वन बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वन छोड़ दो, मैं माइनस कॉमन लेना इसमें से लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं एक माइनस कॉमन करके इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ तो क्या ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग? अब माइनस अंदर लो तो ये माइनस साइन और प्लस कॉस का वही चीज है, लेके देख लो, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या ये और ये सेम है? तो ऐसे ही हमने यहां पर किया, इस प्लस की जगह मैं इसमें से एक माइनस बाहर निकाल दिया और इसको पलट के, समझ में आ गई बात? अब इन दोनों में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं सबसे बाहर ले ले रहा हूं, अगर मैं सबसे बाहर ले लू ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सबसे बाहर ले लू, तो बताओ पहले वाले में क्या बचेगा, पहली टर्म में साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा और दूसरी टर्म में क्या बचेगा? तो पहली टर्म में बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और दूसरी में बचा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे क्या होगा, वन बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो देखो यो, इससे इसमें डिवाइड करो तो जब कॉस से कॉस चला जाएगा ना, बचा साइन, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई बताओ कितना है, साइन क्यूब है ना, दैट कम्स एज साइन क्यूब थीटा, और यहां भी ऐसा ही करो, इससे इसमें डिवाइड करो क्या बचा, कॉस बचा, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करो कॉस क्यूब, सही है। हाँ बोलो कहाँ, यही माइनस ना, ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसको पलट दिया है और माइनस एक कॉमन ले लिया, जैसे ये था तो मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या चीज पलट जाएगी, इसका माइनस बाहर ले लिया तो दैट इज, आप ऐसा समझो ना, अगर ए माइनस बी है और कोई माइनस बी माइनस ए लिख दे तो क्या फर्क समझते हो, ऐसा होगा तुम करके देख लो अंदर, फिर से ए माइनस बी आ जाएगा, वही चीज तो की है, ये देखो इधर सुना, ऐसा लिख सकती हो, ये एक ही चीज है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस की जगह में ऐसा करने से मेरा सबसे बाहर निकल गया ना, ठीक है चलो।
ओके तो इनको पसंद नहीं आएगा ये मेथड, में दूसरा मेथड दे दूंगा, पहले ये देख लू। अच्छा ये बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा? नाइन्थ में पढ़ा हुआ आइडेंटिटी, a माइनस b माइनस a, ये होता है कि नहीं? इसी आइडेंटिटी को यूज करो, ये नाइन्थ की आइडेंटिटी है। नाउ यूजिंग दिस ओके, और इसके पैरेलल की एक और आइडेंटिटी है, वो भी याद रखना तो कर लो। राशि बताओ जरा इसकी, आप बताओ ये दोनों नाइन्थ है प्रूव करने के लिए थी। चलिए इसको मैं यूज कर रहा हूं, इसको नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि क्यूब में माइनस है ना, तो वन बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अमन यूज करो उस आइडेंटिटी को, करो न्यूमरेटर में इसी पे करो, साइन थीटा हाँ माइनस कॉस थीटा हाँ ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा हाँ प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। मैं पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा नहीं, और प्लस साइन थीटा ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा और थीटा। इतनी बात समझ में आई? ये स्टेप समझ में आया जो क्यूब वाले लगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा आप देखो क्या इससे ये कट जाएगा, है तो सब प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट, तो एक फैक्टर नीचे फैक्टर से कट जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बताओ? तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। देखो ये तो कट गया और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह वन लिखा, तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन। अब इसके नीचे भी ये आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी बाई सी क्या होता है? ए बाई सी प्लस, इस दोनों के नीचे आएगा कि नहीं? वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। सुजन बताओ कहां से, फिर से बता आगे। अच्छा ये कट गया, ये कट गया तो यहां क्या बचा? वन, जो कि वन से ही कटेगा, और यहां पे क्या बचा बताओ? वन बाई साइन थीटा और 1 by cos theta, दोनों में अलग अलग लिख दिया। 1 by a dot b है ना, तो तुम इसे 1 by a dot 1 by b लिख सकते हो। 1 by 2 into 5 है, तो क्या ऐसा लिखने में कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन 1 by sin theta क्या होता है? तो cosec theta और sec theta और plus 1, तो राइट हैंड साइड में क्या है? वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको पेश कर दो जैसे वो चाहता है। क्या यही आर एच एस है? हैंस प्रूफ। इसको नोट करो, फिर दूसरा मेथड बताएं। आइडेंटिटी लगा दी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सब मल्टीप्लाई है, एक फैक्टर दो फैक्टर और नीचे के दो फैक्टर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक फैक्टर दो फैक्टर और ब्रैकेट के बाहर अगर एक फैक्टर यहाँ है और अंदर भी कुछ लिखा है, चार फैक्टर है, सब प्रोडक्ट ही है, तो इसलिए ये इससे कट सकता है। ये कट गया, इसको वन लिख दिया, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अभी मिटा दिया, अभी था वहां पे और प्लस साइन दिया, और नीचे तो यही था, वन के नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा, लेकिन ये वन हो गया, और वन बाई साइन थीटा वन बाई कॉस थीटा जैसे मैंने यहाँ बताया, अलग अलग भी लिखा जैसे वन बाई साइन थीटा कॉसेक कॉसेक, वन पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख के भी कम्यूट कर दिया, सही है। चलो अब इसको थोड़ा अरविंद के मेथड से करें, एक आसान मेथड। देखो टैन थीटा है और वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या वन बाई टेन थीटा?
और cos थीटा और 1 माइनस tan थीटा, सबको tan में बदल लो तो क्या होगा, tan थीटा और 1 माइनस 1 बाई tan थीटा, और इसे क्या लिखेंगे, 1 बाई tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इतनी बात समझ में आई। नीचे नीचे का एलसीएम ले लो, बड़ा सा लगा के इसमें लिखो, क्या इसके एलसीएम से ये आएगा, इतना तो आ ही जाएगा, तुम सोचो यही नहीं आ जाएगा। और ये तो पहले भी करते हो, जब ऊपर की चीज है कोशेंट लगाओ तो ऊपर की चीज सरकती है नीचे की पलटती है, तो 1 बाई टेन थीटा स्लाइड हो जाएगा नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 1 बाई टेन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा हो गया, ये समझ आया, इसी मेथड से आ रहा है, कुछ नहीं, उसको हमने स्लाइड कर दिया, उसको नीचे ले आया, नहीं तो फिर डिवाइड करेंगे। चलो इसी मेथड से करो, फिर हम इसको एक बार और कराएंगे, दो मेथड बता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी से करो, इस सब चीज पूरा चैप्टर साइन कॉस में ही करो, साइन कॉस में हर चीज हो जाती है, तो हमने साइन कॉस में किया कि नहीं, यही अच्छा मेथड, एक ही सवाल करो इसमें, मुझे उम्मीद है तीन चार बच्चे कर लेते हैं इस सवाल को हर साल, आप में तीन चार बच्चे हैं जो इसे कर लेंगे। ओके जमा करिए, फोर्थ क्वेश्चन में चलो पेपर रखो आगे का, देखो पेपर नीचे रखो उसको बाद में करना, हाँ ठीक है। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाँ दे रहा हूँ, दिव्या को दे दो, दैट इज आपको दिया है 1 प्लस sec a by sec a, तो LHS लीजिए 1 प्लस sec a by sec a, sec a क्या होता है, 1 प्लस 1 by cos a, ये बात तो पता है ना, sec a is 1 by cos a और divided by sec a, तो इसको यहां ऐसे divided लिखो और फिर sec a की जगह क्या लिख लो, 1 by cos a, देख लो sec a को यहां पर भी लिखा, इसकी वैल्यू को divide quotient के लिए लगाया, फिर sec लिख लिया, अच्छा इसका LCM निकाल लिए cos a, तो यहां क्या आएगा सुजय, cos a plus 1, और इसको पलट लो तो ये क्या आएगा, सही है, क्या ये दोनों cos कट गए, तो ये क्या आ जाएगा, क्या 1 plus cos a, यही बचा कि नहीं बचा, बताओ ये बात समझ आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है, तो ऊपर और नीचे
उसको देखो एनएचएस क्या उसमें नीचे वन माइनस कॉस है एनएचएस जरा देखो तो इसमें ऊपर और नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए वन माइनस कॉस है से भाई जो चीज वहां है वही तो हमें लानी है कि नहीं इसमें राइट में नीचे क्या है तो मैंने ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे तो वन माइनस कॉस आ जाएगा ऊपर अपने आप जो आना आ जाए तो बोलो वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस क्या होता है वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है क्या मुझे आप बताएंगे अमन वन माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है तो वन माइनस कॉस है दैट इज साइन स्क्वायर है अपॉन वन माइनस कॉस है ये बात समझ में आई ताशी यहां तक तो आई गई होगी पलट दिया और इसमें मैंने इसलिए इससे किया क्योंकि यहाँ नीचे था तो जो होगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो नीचे की चीज हमें मिल गई ऊपर अपने आप जो आने आ जाए दिस इज आर एच एस क्या अलग अलग करना है अलग अलग भी कर सकते हो ठीक है जैसे ही कहने दूसरे मेथड से कर दो तो दूसरे समझो वन प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड ठीक है तो वन प्लस सेकेंड को क्या लिख लो वन प्लस वन बाई कॉस ए और नीचे क्या लिख लो वन बाई कॉस ए ऊपर का कॉस ए यहां ले लो और यहां क्या लिखो बोलो कॉस ए प्लस वन और ये बड़ा क्वेश्चन और नीचे क्या लिखा है बताओ वन बाई कॉस ए तो क्या दोनों का डिनोमिनेटर कट गया अब क्या बचा दैट इज कॉस ए प्लस वन जैसे आपने एल एच एस लिया है वैसे ही आपको क्या ले लेना चाहिए आर एच एस तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन वन माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए को क्या कहा जाता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन वन माइनस कॉस ए अगर वन को स्क्वायर मान लिया जाए तो क्या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी ये दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया तो आप लिख दें कि एल एच एस भी वन प्लस कॉस ए और आर एच एस भी एल एच एस वन प्लस कॉस ए आया और आर एच एस वन प्लस मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा मेथड है तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंड स्क्रू नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सिक्स पहले देखो दैट इज वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए एल एच एस देखो वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए राइट में हमें क्या लाना है सेकेंड प्लस साइन ए जो नीचे है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए सही है कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट के अंदर ऊपर क्या आ गया क्या सेम चीज है तो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे क्या आ गया बताओ a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऊपर रूट भी है और स्क्वायर भी है तो कट जाएंगे ठीक है तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट से ही कट जाएगा और नीचे बताओ वन वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर दोनों के रूट हट जाएंगे क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर आ गया उसका भी रूट हट जाएगा ऊपर वाले का भी हट जाएगा अगर तुम्हें ऐसे ठीक नहीं लगता सुजैन तो ऐसे भी अब ठीक लग रहा है सही अब देखो कट जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन साइन अपॉन कॉस ये तो ये अंशु प्रिया समझ गए ना स्क्वायर तो कट ही जाएगा अब इन दोनों को अलग अलग लिख लो एक को क्या लिख लो वन बाई कॉस ए
अब यहाँ पे सोनाक्षी की जरूरत पड़ गई, वन बाई कॉस से क्या होता है? अच्छा बताती हूँ, आप बोलो सर। सेक ए प्लस देखो सेक तो सभी बताते हैं, कोई अलग से अजीब सा बता दे, कितनी खुशी मिलती है दिल को। नहीं टेन स्क्वायर माइनस कॉस माइनस बता दे तो दिल एकदम खुश हो जाता है। नहीं सेक तो बोर हो जाएंगे, सभी लोग सुन के बोर जाएंगे, कहेंगे क्या बता। इतनी बात हो गई, क्या यही आर एच एस है क्या? चेक करो कि अभी नहीं आया आर एच एस। आर एच एस आ गया तो इसको एक क्वेश्चन और है जो कि हम लोगों ने एग्जांपल में छोड़ दिया था, दैट इज एक्सप्रेस कॉस ए टेन ए सेक ए। कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, एक सिक्स कर लो, और एक एग्जांपल हमारे में तो 12 है जो भी है नंबर, इनको आप प्रूव करिए। इसका आंसर क्या होगा? That you have to prove sec A plus sin A. चलिए बाद में हम समझा देंगे, बाकी लोग करते रहे ना। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, दैट इज साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने एल एच एस ले लिया है तो साइन थीटा कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस टू साइन, देखो साइन थीटा इसमें से भी निकला, इसमें से भी, तो एक एक कम हो जाएगा कि नहीं? और नीचे क्या कॉमन ले लो? कॉस थीटा, तो नीचे क्या बचेगा बोलो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात समझ आई? दोनों में से एक कॉस निकाल लिया, दोनों में से एक एक साइन निकाल लिया। क्या आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अच्छा इसको यही लिख दे रहा हूँ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है अमन? तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिया, बाकी तो वैसे ही उतार दिया, सही है? देख लो वही लिखा है, सही। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो अगर 2 में से 1 कट जाए तो कितना आएगा? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 क्या 1 होता है, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से ये दोनों पूरा ही कट जाएगा, से कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? ये ज्यादा सही लग रहा है, नहीं नीचे रखोगे तो सीधा सीधा कट रहा है। अच्छा अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंटरेस्टिंग है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और उसका होल स्क्वायर, नाउ कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने एलएचएस ले लिया, ठीक। अब देखो इस पर दिव्या आइडेंटिटी लगाओ, प्लस
इसका भी आइडेंटिटी लगाओ, cos square theta plus sin square theta plus 2 cos theta sin. ठीक है, दोनों का आइडेंटिटी लग गई, sin और cos को एक साथ लिख, तो क्या लिख दिया जाएगा, sin square theta plus cos square theta. क्या आपको cosec square theta का कोई फार्मूला पता है? बोलो, बहुत जानने लगी हो. अच्छा सर भी बोली, ये तो और भी अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग है. आगे देखो, ये समझ में आ गया, cosec स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको लिखो 2 sin थीटा, लेकिन मयंक cosec थीटा को क्या लिख सकते हो, तो 1 अपॉन sin थीटा, ये उधर जा ही चुका है, इसके बारे में सोचो, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे 7 वन लाने हैं, तो एक इससे वन बना लिया, एक वन इससे बना लिया, ये भी वन ही आ जाएगा ना, जब कट जाएंगे तो दो तो यहां से आ जाएंगे, इसको भी कुछ करो, 2 cos थीटा और sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 by cos theta. ऐसा करने से क्या ये दोनों कट जाते हैं और ये खुद भी एक 1 ही है, तो 1 तो यहां से आ गया, एक 1 यहां से आ गया, और cot square theta को कुछ नहीं किया जा सकता, एक 2 आ गया क्या यहां से, और फिर इसके आगे एक 1 आ गया, और प्लस tan square theta और प्लस 2. बोलो, अब 1 प्लस 2 2 2 4 5 6 7 7 हो गए, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा. बोलो, बात समझ में आ गई, ठीक, ये समझ में आया दिव्या आपको, समझ में आ गई बात. आगे देखो, 9th में क्या है, cosec a LHS ले लो, cosec a और sec a minus cos a, ना तक है, LHS ले लिया, इन सभी में कोई भी सवाल हो तुमको सबको sin cos में बदलना है और कुछ नहीं, तो बोलो cosec को किसमें बदलना है, 1 by sin a माइनस साइन है, और कहीं एलसीएम दिखे तो एलसीएम कर दो, सेक को किस में बदलोगे, cos a माइनस cos a, तो इन दोनों में ही एलसीएम होगा अलग अलग, इसका एलसीएम इधर करो तो क्या होगा, दैट इज 1 माइनस, यहां बताओ क्या है, अमन साइन ए साइन स्क्वायर, क्योंकि एक 1 है तो 1 से डिवाइड होगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, अगर cos a कॉमन ले लिया तो 1 cos आ जाएगा ना, क्योंकि cos से cos में डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 का ओपन मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस, क्या आप मुझे बताएंगे हनी 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर बाय sin a, और ये बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर, ये अच्छा रहेगा, अब बोलो उसी फॉर्मूले से दोनों आ जाए तो sec कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है, तो sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, एक cos इससे कटेगा एक sin इससे कटेगा, तो एक cos को इससे काट दो और एक sin को इससे, तो क्या क्या बचा बताओ, क्या sin है cos है, इतनी बात समझ आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है जरा बताइए, तो आर एच एस लो, 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए, तो इसको ऐसे लिखो 1 बाई और टैन ए को क्या लिखो, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिखिए, कॉस ए बाई साइन ए, इसमें एलसीएम ले लो,
दैट इज कॉस ए साइन ए, तो अंशु क्रिया यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो वन डिवाइडेड वन बाई साइन ए कॉस ए, तो क्या वन इंटू हो जाएगा, तो ये ऊपर चली जाएगी चीज, साइन ए कॉस ए बाई वन, तो इससे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, तो आर एच एस इससे क्या पता चला, एल एच एस किसके इक्वल है, आर एच एस। आप लोगों को सेवेंथ एट और नाइन्थ क्वेश्चन करना सेवेंथ, देखिए ना सेवेंथ में साइन कॉमन लिया और कॉस कॉमन लिया, और कॉस स्क्वायर की जगह स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, उस कॉस स्क्वायर की जगह मैंने एक फार्मूला डाला, क्या होता है कॉस स्क्वायर डाल दिया, फिर इस टू से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो मल्टीप्लाई करो तो टू माइनस टू साइन स्क्वायर, लेकिन टू माइनस वन क्या होगा वन, ऐसा लिख देने से ऊपर नीचे सेम हो गया तो कट गया, जबकि बाहर जो कॉमन लिया तो टेन बन गया, बताइए सही। एट देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस टू कॉस और सेक, या साइन हमने गलत लिख दिया, क्या लिखना चाहिए सेक, ठीक है। देख लो जो साइन स्क्वायर हो अगले वाले से कॉस स्क्वायर उसको एक साथ लिख दिया, जबकि कॉसेक को क्या लिख दिया वन प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लास्ट में सेवन लाना, तो वन वन एक्स्ट्रा जोड़ना, इसके लिए मैंने कॉसेक को वन बाई साइन लिख दिया, सेक को क्या लिखा वन प्लस साइन स्क्वायर, और यहां पर सेक को वन बाई कॉस किया तो वो भी कट गया, यहाँ पर हमने कोसेक को वन बाई साइन किया तो वो भी कट गया, तो पहले स्टेप में वन आया, दूसरे का वन, फिर कॉट स्क्वायर, फिर टू, फिर वन, फिर टेन स्क्वायर प्लस टू, सबको जोड़ा ले लिया, ठीक है चलो। ये आप लोग पिछले ही करो, आपका पिछला हो गया सारा, दो के लिए बात नहीं करो, स्टार्ट करो, बोर्ड में मत देखो, बस आप स्टार्ट करो, ये तीनों कर रहे हैं। जो लोग इसको ट्राई कर रहे हैं वो अपना अपना करें, बोर्ड की ओर ना देखें। किसको ये समझना है, और किसी को समझना है, इधर भी किसी को बाकी रहेगा, चलो अब ये देखो सेवेंथ क्वेश्चन, ये हो गए सारे कि नहीं, चलो तो साइन कॉमन लिया कॉस कॉमन लिया, देख लो ऊपर से साइन लो और इसमें से साइन कॉमन लो, जरा वन बचा और यहाँ कॉमन लो तो टू साइन स्क्वायर, कॉस कॉमन लिया तो टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, कॉस स्क्वायर का फार्मूला बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, अब टू बाहर है ना तो टू से मल्टीप्लाई करो जरा इसको, तो टू माइनस टू साइन स्क्वायर हो जाए, अभी तक कुछ नहीं किया, साइन कॉस कॉमन लिया है और कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर, इतना कर लो कॉमन लिया, फिर रखने के बाद जब रखोगे तो टू से मल्टीप्लाई कर देना, टू से इसमें भी और टू से इसमें भी करोगे तो फिर बताओ टू माइनस वन कितना होता है, वन लिखते ही ऊपर नीचे कट जाएगा टेन आ जाएगा, टू से वन कटा
ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर और प्लस टू साइन स्क्वायर टू साइन कॉसेक आएगा कि नहीं, आइडेंटिटी यहां भी करो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर और टू कॉस सेक, साइन स्क्वायर भी लिखो कॉस स्क्वायर इसके बगल में लिख दो, कॉसेक स्क्वायर को वन प्लस कॉट लिख दो, इस कॉसेक को वन बाई साइन लिख दो तो ये साइन साइन कट जाएगा मल्टीप्लाइड है ना, कॉस जा चुका है सेक स्क्वायर को वन प्लस साइन लिखो, sec स्क्वायर जानते हो 1 प्लस sin स्क्वायर और इस sec की जगह 1 बाय cos लिखो तो ये भी कट जाएगा, ये सारे कट गए ये भी कट गए, इसकी जगह 1 लिख दो, एक 1 ये फिर cot स्क्वायर फिर 2 फिर ये 1 फिर tan स्क्वायर फिर 2 सबको जोड़ डालो 7 आ गया सही, सबको 1 बाय cos को 1 बाय sin लिखो सबको 1 बाय cos लिखो, इधर भी एलसीएम लो इधर भी एलसीएम लो भाई है कुछ नहीं है ऐसे ही देखो, तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, ऐसा करने से एक कॉस कटेगा एक साइन कटेगा और साइन कॉस आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 अपॉन को 1 डिवीजन में लिख दो और इन दोनों का फार्मूला लगा दो साइन कॉस का, फिर इधर भी एलसीएम लो लेकिन ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर को आप फिर पलट लो फिर वही चीज आ जाएगी, दोनों सेम हो गया इसलिए, समझ में आ गई बात, पूछना है कुछ भी शिक्षक समझ आ गया, चलो करो ये ना 1 अपॉन लिखा और टैन की जगह साइन कॉस और कॉट की जगह कॉस साइन, फिर इस पर एलसीएम लिया तो साइन कॉस आया, कॉस से कॉस कटा साइन बचा उस साइन का ऊपर मल्टीप्लाई, साइन से साइन डिवाइड हो गया कॉस बचा कॉस का ऊपर, बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है तो 1/7, लेकिन जब डिवीजन को इनटू करोगे तो क्या पलट जाएगी चीज, पलटने पे वही आया जो यहाँ आया, बताओ चलो करो Thank you.